दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। यह है संडे मॉर्निंग का टाइम और हमें जाना था बाहर, तो मैंने मॉर्निंग में बनाया था चना पोहा। तो हम महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके से खाते हैं चना पोहा, यानी चने की सब्जी बनाकर पोहा के ऊपर इस तरीके से डालते हैं, और ऊपर से आपको जो भी डालना है, सेव, चिवड़ा वगैरह जो भी अगर आपके पास है, भुजिया है, तो उस प्रकार आप कुछ भी हो तो उसके ऊपर डालकर आप खा सकते हैं। और फिर उसके ऊपर चाहिए तो आप कच्चा प्याज कट कर इसके ऊपर डालकर आप खा सकते हैं। तो मॉर्निंग में बस हम लोग नाश्ता वगैरह करके बाहर निकल गए थे, हमें जाना था बाहर। तो ये देख सकते हैं आप, एलन आपको हाय कह रही है। और वहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद ये देखिए, एलन को जो है ना पिक लेने का बहुत शौक है, फ़ोटोज़ लेना, वीडियो शूट करना, तो इसे बहुत पसंद है। और बहुत बोलते रहती कि ऐसे पोज लो, वैसे पोज लो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते कि इस तरीके से मेरा पोज लो, ऐसे वो कह रही है, तो उसे बहुत शौक है। तो थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी हमें, इसलिए हम वहाँ पे गए थे, और बस जल्दी जल्दी शॉपिंग करके हम निकल गए थे, क्योंकि अभी एक तारीख से जो है, एक फरवरी से स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ ख़रीदारी भी करनी थी। तो बस घर में आने के बाद, क्योंकि आज है संडे, तो मैंने बनाया था प्रॉन करी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में डाला जीरा, और जीरा जैसे ही गर्म हो गया है तो मैंने उसमें डाल दिया ऑनियन, और ऑनियन को भी अच्छे से चलाकर मैंने पका लिया था। और ऑनियन पकने के बाद इसमें ऐड किया था मैंने टोमेटो, टोमेटो को अच्छे से चलाकर इसे थोड़ा मैंने पका लिया था। और जैसे ही ये थोड़ा सा पक गया था तो इसमें मैंने डाला 2 छोटी चम्मच से मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था, ये भी मिर्च पाउडर है, ये साउथ का मिर्च पाउडर है, जो हम लोग इसे घर में पीसते हैं, यानी चक्की पर पीस के लाते हैं, लेकिन घर में ही ये रेडी करते हैं। और जो पहले मैंने जो डाला था मिर्च पाउडर, वो जो है वो रेडीमेड मिर्च पाउडर है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रेडी किया, और उसके बाद मैंने डाला है हल्दी, और ये जो मैंने पेस्ट पीसा था ये है अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज। तो ये सभी का, 4 चीज़ों का पेस्ट बनाकर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और हल्का सा पानी डालकर मैंने इसे थोड़ा सा पकाया मसाले को। और उसके बाद ये जो है, ये काला मसाला है जो मैं घर पे ही रेडी करती हूँ। सारे मसाले मैं रेडीमेड लेके आती हूँ और घर में इसका पाउडर बना लेती हूँ, तो हमेशा ये घर में मेरे पाउडर रहता ही है काला मसाला जो है, तो घर में पीस लेती हूँ। और बस इसे अच्छे से चलाते हुए इस मसाले को मैंने अच्छे से पकने दिया था, और जैसे मसाला पक जाए तो साइड से ये तेल छोड़ने लगता है। तो मसाला पकने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था, ये प्रॉन है, छोटे प्रॉन है, इसको मैंने वॉश करके, हल्दी से वॉश करके साइड में रख दिया था। तो इसमें अभी मैं ऐड करूँगी, ये देखिए ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक चुका है और साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। तो बस इसमें अभी इसमें मैंने ऐड कर दिए है प्रॉन, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें सारे प्रॉन ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा चला लिया था। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया था पानी, तो पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, थिक ग्रेवी चाहिए या पतली चाहिए। और फिर इसमें नमक ऐड करके इसे पका लेना है। तो बस इसे मैंने ढक्कन देकर इसे अच्छे से पकने दिया था, और करीब 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी पूरी तरीके से सूख गया है। वैसे तो सब्जी थोड़ी रेडी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे इसे और पकाना था। तो आप देख सकते हैं कितनी ठीक है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा फिर से, ये मैंने इसमें डाल दिया था आची चिकन मसाला, तो इसे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है प्रॉन करी का, तो इधर ये साउथ में बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो बस इसको डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था कि मसाला अच्छे से पक जाए। और देखिए बस 5 मिनट तक मैंने इसे पकाया, और ये पकने के बाद देखिए ऊपर से मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है। तो ये हमारी जो है प्रॉन करी यहाँ पर अभी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ प्रॉन करी। सबका बनाने का तरीका कुछ अलग अलग होता है, लेकिन ये मेरा तरीका है बनाने का, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसे भी बनाने के बाद। होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।